कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। अच्छे लगते हैं वैसे, मेरा कितना ख्याल करते हैं, इतनी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं। मुझे पैसे दिए कि मेहंदी लगवा लेना। खुदा के लिए ऐसा मत करें, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। इधर आओ तुम मेरे से। नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, छोड़ें। वो अपने वादे से फिर गया। मैंने खुद वहाँ खड़े होकर उनको पीछे जाते हुए देखा। आरिफ साहब जाना का हाथ पकड़ के पीछे ले जा रहे। मैंने तो बहुत सोचा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। नहीं, तुमने अच्छा किया जो किसी को कुछ नहीं बताया। सुना था कि क्या बात कर रहे थे तुम? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं पीछे नहीं गया, मुझे डर था कहीं आरिफ साहब मुझे देख लें। सही किया, बिल्कुल। हो सकता है लड़की ने कोई काम खराब किया और आरिफ डांट रहा हो उसे। लेकिन साहब, एक बार आप जाना से पूछिएगा जरूर कि आखिर क्या बात थी। मुझे क्या जरूरत है किसी से कुछ पूछने की, और ना तुम्हें कोई जरूरत। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। जी सर। क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं, पानी पीने आया। मुझे ना बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? दोपहर में इतनी देर से तुमने खाना ठूसा था, फिर भूख लग गई है तुम्हें? जब बनेगा बुला लूंगी, अभी दफा हो यहाँ से निकलो। एक बात पूछूं तुमसे जाना। क्या है? उस दिन आरिफ साहब तुम्हारा हाथ पकड़ के पीछे क्यों लेकर गए? क्या कह रहे थे वो तुमसे? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, ये सवाल करने वाले? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना ये छुरी से ना तेरा गला काट दूंगी। दफा हो, बेगैरत सा। देखो जाना, मुझे ना सच सच बता दो। अगर मैंने ये बात बेगम साहबा को बता दी ना, तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जलन हो रही है ना? हाँ। मुझे भी तो कितना बुरा लगता है, मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं जब तुम सुमेरा बीबी और उजमा बीबी को लेकर जाते हो। मैं तो कुछ नहीं कहती। पगली, वो तो मेरी ड्यूटी है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मुश्किल है बड़ा। लेकिन मुझे भी एक बात समझ आ गई है। क्या? तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूं ना? पता है। मुनव्वर। बेगम साहिबा, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं चलता हूँ। ला रही है ना, जाओ 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 जाओ, निकल निकल। What? I mean, कमाल है यार, इतनी बड़ी बात है ये। उज़्मा तैयार बैठी है, अहमद उसे लेने आ रहा है, किसी ने मुझसे बात क्या मुझे बताने तक मुनासिब नहीं समझा। हाँ, अम्मी समझी कि मैंने आपको बता दिया है, और मेरा ख्याल था कि अम्मी ने बता दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। मेरी कोई अहमियत नहीं है इस घर में कि मुझसे कोई इजाजत मांगे या कुछ पूछ ही ले। इजाजत आप दें या आरिफ भाई दें, बात तो एक ही है ना। वो भी उज़्मा को अपनी बहन समझते हैं, उसको उतना ही प्यार करते हैं। तुम जानती नहीं हो आरिफ को कितना नॉन सीरियस आदमी है वो, कितना लाइटली लेता है वो हर बात को। तो आप भी रिलैक्स करें ना, बात को लाइट लें। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उन दोनों का निकाह हुआ है,
उसकी बीवी है, वो अगर अपनी बीवी को लेके बाहर अपने दोस्तों से मिलवाने जाना चाहता है, उसमें क्या बुराई है? अहमद को आप जानते हैं, एतबार है ना उस पर, और सबसे बढ़ के हमें अपनी उज़्मा पे एतबार है। वैसे एक बात है, सब अपनी बीवियों को डिनर पे ले जाते हैं, आप पता नहीं क्यों इतने कंजूस हैं। बीवी को भी डिनर पे ले जाएं। शहाब साथ नाक पे रखा है ना, कब आएंगे तुम्हारे दोस्त? कोई नहीं आएगा, बस सिर्फ तुम और मैं। इसका मतलब तुमने अम्मी से झूठ बोल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस वक्त मैंने सच बोला था इजाजत लेते हुए कि हाँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों अपने दोस्तों को कबाब में हिंदी बनाकर साथ देते हैं, बल्कि मैंने उन्हें भी ये कहा कि तुम्हें इजाजत नहीं मिली। अच्छा, अगर अम्मी को पता चल गया हम दोनों के लिए है तो? उनको कौन बताएगा, तुम या मैं? मैं तो बताने वाला नहीं। हाँ, तुमको भी मुझे वैसे भरोसा है कि तुम भी नहीं बताओ। तुम्हें पता, जब भी अम्मी मेरी शादी की बात करती थी, मैं हमेशा साफ इनकार कर देता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी आइडिया है वो मुझे इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। फिर कैसे मान गए तुम? जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम तो मेरी, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बनाया। मुझे पता है, मुझे भी हमेशा ऐसे लगता था जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। ऐसा ही लगता है जो प्यार होता है, तो ऐसा ही लगता है। अब तो शुक्र है ये कि मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। अब ये ना कहियो अम्मा कि तुझे यहाँ पर आना है और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया वहाँ कि वो कार नहीं छोड़ेगी तू? क्या नजर आया तुझे वहाँ पे? क्या नजर आना है मुझे अम्मा? देख जाना, वहाँ कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करना, समझ आई ना? अगर मुझे पता लग गया ना तो ऐसी चित्रौल करूंगी तेरी कि तुझे लग समझ जाएगी। एक तो अम्मा जब तुम इस किस्म की बातें करती हो ना मुझसे, मुझे बड़ी चिड़चिड़ती है तुमसे। फोन रख रही हूँ मैं। हाँ हाँ कर दे बंद, मैं तेरी धमकियों से नहीं डरती। फोन बंद कर देगी। हेलो, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हो जाना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा तुमसे जाके बातें कर लेता हूँ। किसी ने देख लिया तो? फिक्र ना कर, बाहर जगह चेक करके आया हूँ, सब सो रहे हैं। सबके कमरे में पंखे नहीं एसी लगे हुए, आराम से आवाज जाएगी, बातें तो सुबह भी हो सकती है ना मुनव्वर, है ना? हाँ जाना, कह तो तू ठीक रही है। तो सो जाओ ना जाके, सुबह मिलता हूँ तुमसे। हाँ हाँ, सुबह बात करते हैं, करते हैं सुबह बात करते हैं। अल्लाह करे इसकी गांव में कोई ऐसी मुसीबत आए, दफा ही हो जाए यहाँ से, कम वक्त तुम्हारा। हेलो हेलो, 9 बज गए हैं, उठ जाओ, अब कितना सोगी? नौ बज गए, आज मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? तो अच्छी बात है ना, थक गई होगी, आई एम श्योर तुम्हारी नींद पूरी हो गई। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ता बना लिया और ये रही तुम्हारी चाय। थैंक यू। वैसे अगर मुझे रोज रोज ब्लैक टी पीने की आदत हो गई तो कोई बात नहीं, मैं आपको रोज रोज इसी तरह जगा दिया करूंगा। चाय तो अच्छी। अच्छा ये बताएं कि शाम में वापसी कब होगी आपकी? देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। ओके ठीक है, फिर मैं अम्मी की तरफ चले जाऊंगी,
आप वहीं पे आ जाइएगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है आजकल, 2-3 दिन का पेंडिंग काम रुका हुआ है और फिर मैं बहुत थक जाऊंगा, लेट भी हो जाऊंगा, तो हिम्मत नहीं होगी वहां पे आने की। एक काम करना कि तुम खुद ही चली जाना और फिर खुद ही वापस आ जाना। ओके मुझे चलो देर हो रही है, मैं जाके तैयार होता हूँ। जाना, मुझे पता चला कि आरिफ सुल्तान, सुल्तान इधर आए। रो क्यों रही हैं आप? बेटा मैं से आना हो गई, घर से बेघर कर दिया शबाना ने। शबाना भाभी वो तो बहुत अच्छी हैं। कमी नहीं है, मिस नहीं कहेगी। मैं क्या जाने के लिए कह रही थी, मैंने मना किया तो पता नहीं राजा से क्या क्या कह दिया जाके। ऐसा ले आके मेरे बड़े बेइज्जती की, बहुत बेइज्जती की। बीवियां तो और भी मिल जाती है, मां दूसरी मिलेगी कभी? आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब आप रोए ना प्लीज। मैं थोड़ी रो रही हूँ, दिल रो रहा है मेरा। अच्छा खासा था राजा, शादी हो गई शबाना से, माँ की इज्जत नहीं है, धन मुरीद हो गया, घर से निकाल दिया मुझे, उस घर में मेरी जगह ही नहीं। मैं भी नहीं जाऊंगी सारी जिंदगी उस घर, नुसरत के पास ही रहूंगी। ऐ नुसरत, नमाज पढ़नी है, आए ले चलूं साथ। ऐसे ही तरह से पकड़ा नहीं जाता। लुबना, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं नहीं भाभी, परेशान तो नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ उलझी हुई जरूर हूं। क्या बात, बताओ तुम। भाभी आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे, आप ये बात किसी और से नहीं कहेंगे। नहीं कहूंगा बाबा। बात क्या है भाभी? मुझे लगता है कि निकाह के दिनों में आरिफ से यहाँ कोई बात हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने साल गुजर गए, आरिफ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, और आज देखें उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पर क्यों? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो शहाब मुझे जरूर बताते। तुम तो जानती हो शहाब और आरिफ को, दोनों भाइयों की तरह रहते हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है ना, यहाँ से जाने के बाद आरिफ इतने खामोश थे। मैंने बार बार पूछने की कोशिश भी की कि क्या हुआ है, कोई बात है, तो खामोश रहे, टाल गए। तुम कहो तो मैं शहाब से पूछ के देखूं। अरे नहीं भाभी, आप प्लीज कुछ नहीं पूछिएगा। आज सुबह से बैठ के तुझे दुखड़े सुना रही हूँ, और तब कि तसल्ली दिए जा रही। तो खाला भी मैं क्या करूं? अरे तो घर जाओ मेरे, सख्ते से शबाना से बात करो, मुझे निकाल के घर से कैसे से कौन से बैठी है महारानी। खाला भी मैंने शबाना से बात की थी, उसने मुझे बताया है कि
उसने आपसे कुछ नहीं कहा, आप खुद घर छोड़कर गई हैं। अरे उसके तंग करने पे तो निकल के आई थी मैं, दो दिन यहाँ निकाह के सुकून से गुजार के गई थी मैं। उन मैडम साहिबा के तो नखरे ही नहीं मिल रहे थे। अरे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे मुझसे। मैंने पूछा उससे तो कहने लगी बीमार हूँ। और मेरे रजा को देखो, उसकी लल्लू पत्तों में खिदमत गुजारियों में लगा। अरे मेरा तो दिल ही जल के रह गया। कमरे में ट्रे सजा सजा के लेके जा रहा है। रजा ने आपको खाना नहीं दिया? अरे दिया ना दिया, सिर्फ शोरबा। और बोटिया तो कमरे में जा रही है। अरे पूरे महल्ले के एक एक घर में जाके लड़कियां देखी, तब जाके इसे पसंद करके लाई थी मैं। ये सिला दिया है इसने मुझे। आज रजा के अब्बा जिंदा होते तो फिर ये होता मेरे साथ। अरे खाला बी, अब ये रोना धोना छोड़े, आ जाए खाना खाएं और फिर थोड़ा सा आराम भी कर लें। अरे एक बात तो बताओ मुझे। जी खाला बी। शबाना तुमसे तो बड़ी बातें करती है, मुझ में तो बड़े कीड़े निकालती होंगी ना। उसने आपकी खाला बी कभी भी कोई बुराई नहीं की, बल्कि वो तो हमेशा बड़ी तारीफ करती है आपकी और रजा भाई की। हाँ रजा की तो तारीफ ही करनी है, सारा वक्त उसके साथ कमरे में जो गुजारा था। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। खूब समझती हूँ मैं, सहेलियां है ना, तभी सर जोड़ के बैठ के अपनी अपनी सासों की बुराइयां करती होंगी। नहीं एक बात मैं बता दूं, कान खोल के सुन लो, मैं नहीं कहीं जाने वाली, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जा रही उस दोजख में। खाला बी आपका अपना घर है, जब तक दिल चाहे तब तक रहेंगे। ठीक है अब उठें, कोई रोना धोना नहीं हो रहा, खाना खाएं, उठें। मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ, तब तक आप अपना खाना खत्म करें। ठीक है जरूर गए होंगे शबाना को फोन करके रिपोर्टें देने के लिए, तब समझते हो मैं एक एक बात बताएगी उसको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाना मेरे साथ बाहर चलोगी गाड़ी में? नहीं मैं तो नहीं जा सकती, अभी तो बहुत काम है। वो ना मार्केट में बहुत मजे की चना चाट मिलती है, वो खिलाऊंगा तुम्हें। चना चाट तो मुझे जहर लगती है। जो तुम्हें पसंद हो वो ही खाना, ठीक है तुम चलो तो सही। वो ना मुनव्वर, मुनव्वर जरा अंदर आना। आया बेगम साहबा। पीछे बह गया है, समझ नहीं आती इसका क्या करूं। शाप के आने का टाइम हो रहा है, देखूं मैंने क्या पहना हुआ है, क्या मेरा हुलिया क्या हो रहा है। मैं अपने आप को सजाती हूँ, सवारती हूँ। हेलो। हेलो पापा। क्या बाहर बैठ के क्यों होमवर्क कर रही हो? वो रजा भाई और शबाना भाभी आई हुई है खाला बी को ले जाने के लिए, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अल्लाह खैर करे फिर तो। वैसे भाई हाँ। आप कोशिश करें ना कि खाला भी उन्हीं के साथ चली जाए। नहीं नहीं मुझे दूर रखो इन मामलों से। सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम आर्य, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं?
नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों? मुझसे क्यों नाराज है? घर क्यों नहीं आए थे आज? भाभी एक्चुअली ऑफिस में आजकल काफी काम है और एक डेलीगेशन भी आया हुआ है बाहर से, सो काफी बिजी चल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आऊंगा किसी और टाइम आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलो मैं इंतजार करूंगी। जी भाभी मैं आऊंगा। इतने अरसे बाद अम्मी के यहाँ अकेले जाके सबने आपकी कमी बहुत महसूस की। अगर आपका मूड हो तो हम फिर कभी चलेंगे अम्मी के यहाँ। लुबना तुम कितना चाहती हो मुझे? खुद से भी ज्यादा। और कितना भरोसा करती हो मुझ पर? उतना जितना मैं खुद पे भी नहीं करती। फिर आरिफ बात क्या है? मैं तुम्हारे घर पे किसी वजह से नहीं जा रही। सॉरी मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें पहले बता दूं ये बात, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी मुझे समझ में नहीं आया कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। मुझे आप पे भरोसा है। थैंक्स। दोबारा नौकरी पर ना रखिएगा, बड़े ही काम चोर है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो इस घर से। वो अपने वादे से फिर गया है। भाई मुझे आप और अम्मी बहुत अजीज है। जानता हूं। अगर आप मुझे आरिफ और आरिफ की इज्जत उससे भी ज्यादा अहम है। मैं सोच भी नहीं सकती थी भाई कि आप इस काम वाले के लिए आरिफ पे इतना बड़ा इल्जाम भी लगा सकते हैं। लुबना मैंने आरिफ पे शक नहीं किया। तो फिर वो सब कुछ क्या था भाई? आपने उस लड़की के सामने आरिफ को मुजरिम बना के खड़ा कर दिया। क्यों भाई क्यों? प्लीज मेरी पहले बात समझने की कोशिश करो। ये जो काम करने वाले लोग होते हैं इनका लेवल तुम समझती नहीं। मैं अगर उस वक्त उस लड़की को मुजरिम बना के बुरा भला कह के वहां से निकाल देता तो ऐसे ना जाती खामोशी से, शोर मचाती, उल्टा इल्जाम लगाती, हंगामा कर देती। और खाला भी उस वक्त घर पे थी। खाला भी को अगर ये बात पता लगती तो पूरे मोहल्ले में वो जाके पता नहीं क्या क्या बातें करती। उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि आरिफ पे इल्जाम लगा दिया और इस लड़की के सामने आरिफ से माफी भी मंगवा ली। तुम ये बात क्यों नहीं मान रही हो कि मैं आरिफ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी एक बहुत बुरी आदत है कि वो खामखा बड़ा फ्रेंकली बातें करता है लोगों से, जिसकी वजह से लोगों पे इम्प्रेशन गलत पड़ता है उसका। भाई आरिफ की इस आदत को पूरा खानदान जानता है और मुझे यकीन है कि अगर ये बात फैल भी जाती तो आरिफ पे कोई भी शक नहीं कर सकता था। सीरियसली मैंने आरिफ पे शक नहीं किया, लेकिन अगर मैं उस वक्त ऐसा ना करता तो बात कुछ से कुछ और हो जाती। शायद मुझसे गलती हो गई है। चलो मैं हाथ जोड़ के तुमसे भी माफी मांगता हूँ और आरिफ को बुलाओ उससे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। भाई प्लीज आप ऐसा नहीं कीजिए। क्या करूं कि तुम्हारा और आरिफ का दिल साफ हो जाए मुझसे? मैं बस ये चाहती हूं कि आप इस बात को आज इसी वक्त यहीं पे खत्म कर दीजिए और हो सके तो आप उस लड़की को भी घर से निकाल दें। ठीक है, मैं वापस जाके उस लड़की को घर से निकाल देता हूं और उसके बाद तुम दोनों को लेने आऊंगा। आई एम श्योर कि आरिफ का दिल इतना साफ है कि वो मुझे माफ कर देगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर। ऐसे कैसे जा सकते हैं? चाय तो पी कर जाइए। चलो जल्दी से ले। मैं अभी लाई बनाऊँ।
क्या कर दिया तुमने बाग का? ये तो मैं थी जो मैंने संभाल लिया है, वरना तो सब कुछ सड़ जाता। तुम्हें क्या फिक्र? तुम्हें तो फिक्र होती है पहली के पहली सिर्फ तनख्वाह की। चलो, मुफ्त का नहीं मिलता यहाँ पर। निकलो अब, सामान उठाओ, निकलो, चलो। आप एक और मौका दे दें, अब बहुत ख्याल रखूंगा, हरा भरा कर दूंगा आपका लोन। माफ करो और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, कोई और आता होगा। निकलो। क्या हुआ? सब ये मुझे नौकरी से निकाल रही है। तुम जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। इसको दोबारा नौकरी पर ना रखिएगा, बड़ा ही काम चोर है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो इस घर से। क्यों? तुम्हारे क्यों के जवाब का पाबंद नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया तो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? उसी वक्त निकाल देना चाहिए था जब मैंने आरिफ से माफी मंगवाई थी। लेकिन वो बात तो कभी खत्म हो चुकी है ना। खत्म तब होगी जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी। आप कहते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हूँ आपके सामने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से माफी मांगने की। तो कहाँ जा रही हो तुम दोनों? शाहब दानिया के स्कूल में फंक्शन है ना, फिर ही बनी है मेरी बेटी, उसकी चीजें लेने जा रहे। That's good. पापा आपको पता है, टीचर कह रही थी दानिया शाह सबसे प्यारी लगेगी फेरी बनके। मेरी बेटी है ही परियों जैसी। शाह मैं सोच रही थी कुछ इसकी चीजें देख लूंगी और कुछ अपने लिए भी देख लूंगी। So, मैं चाह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ अभी शॉपिंग पे चलूं। जी नहीं, मुझे पता आप बहुत थके हैं, आप घर पे आराम करें। ओके, मैं सोच रही हूँ जाना को ले जाऊं। जाना, जाना, मुनव्वर को कहो गाड़ी निकाली और तुम भी आओ। चलो हम आते हैं थोड़ी देर। कितनी अच्छी बहू मिली है खाला भी को। कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर चाहती क्या है। आप ही समझाइए उन्हें, अगर इसी तरह से वो रजा और उसकी बीवी से लड़ती रहेंगी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे भी खाला से। अरे वो सुनती कहाँ है किसी की। वो बेचारी बच्ची शबाना उनसे माफिया मांगती रह गई, हाथ पैर जोड़ लिए। आज पूछो तो मुझे बड़ा दुख हुआ, रहम आया उस बच्ची पर। खामखान नाराज रहने लगी। मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही। क्या? एक्चुअली खाला भी को ना हमारे इस घर का बड़ा सहारा मिला हुआ, जिसकी वजह से इस तरह से बिहेव करती हैं उन दोनों के साथ। हाँ बेटा, कहते थे तुम ठीक हो, मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन मैं खाला भी को इस घर में आने से नहीं रोक सकती। बेटा तुम्हें भी एक नसीहत है कि खाला भी के एहतराम में कभी कोई कमी मत लेकर, चाहे वो अपने बच्चे का घर खराब कर दे। तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे ना। अल्लाह करे। अच्छा सुनो। जी। बेटा वो अहमद की फुफ्फू है ना, वो अमेरिका से आ गई है। वो शादी में नहीं शरीक हो सकी थी ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें हम दावत पे बुला लें। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे हैं, पूछ लीजिए उनसे एक दफा। कि मैं उनसे बात करने के बाद फिर तुम्हें बताती हूँ क्या है। दानिया, मम्मी अगर आज जाना ना होती ना हम शायद दानिया को खो देते। अरे बेटा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। शाह बेटा तुम सुबह सवेरे उठते सारे इसका सदका दे दो। बेफिक्र रही है मैं, सुबह सबसे पहले यही काम करूं। कैसे डर गई है, सहम गई है दानिया। एवरीथिंग इज फाइन बेटा, थोड़ी सी हिम्मत करो। आ जाओ दानिया, पप्पू के पास आ जाओ। नहीं जाना। बेटा ये लो तुम्हारा इनाम। जी नहीं, मैंने इनाम की लालच में ये सब कुछ नहीं किया। ये बेटा
कि बच्ची मेरी जिंदगी है और तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। लो शाबाश ले लो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तानिया को अगर अपनी जान देकर भी बचाना पड़ता ना तो मैं अपनी जान भी दे देती। मैं दानिया के लिए दूध लेकर आती हूँ। मैंने तो तुमसे सब कुछ कह के अपने दिल का बोझ हल्का किया था, क्या जरूरत थी तुम्हें शहाब से सब कुछ कहने की? क्यों ना कहती, भाई ने तुम्हारी बेइज्जती की थी और कोई तुम्हारी इंसल्ट करे मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर भाई ने उसे इस घर से नहीं निकाला तो मैं उस घर में वापस दोबारा नहीं जाऊंगी। एक्चुअली मैं घर से निकाल चुका था उसे, कह भी चुका था कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन क्या भाई? नहीं निकाल सका। मगर क्यों? लुबना भूल जाओ सब कुछ, छोड़ दो उसकी जान। एक मिनट आरिफ, क्या मैं इस बात की वजह पूछ सकती हूँ कि वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से एक भाई ने अपनी बहन का मान भी रखना गवारा नहीं किया? मुझे फिक्र है तुम्हारी लुबना, एहसास है, लिहाज है, मगर क्या वो शहाब खैरियत तो है ना? आरिफ, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया, आज जाना ने तानिया की जान बचा ली। चलें जी, अब मेरी बेटी खाना खाएगी और फिर होगा स्लीपिंग टाइम। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मेरी गुड़िया अपने फूफो के हाथ से खाएगी, है ना मेरी जान? नहीं। अरे उस्मा, पता है जो बच्चे खाना नहीं खाते ना रात को उनके दांत गिर जाते। मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है। ये तो हमारी शहजादी है ना, ये खाना खाती है रात को ताकि इसके दांत ना गिरे। चल। मेरा बच्चा, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, दिखाएं मुझे। मम्मा नहीं, हाथ भी नहीं लगाने दे रही मुझे, दिखाएं तो बेटा। नहीं, तेल गरम करके मालिश कर देती हूँ। अम्मी देखते तो है, कुछ खुदा हाफिज़ फ्रैक्चर ना हो। लुबना गलत समझी कि मैंने तुम पे शक किया। डोंट वरी यार, तुम तो जानती हो ना कि औरतों की अकल इतनी ही होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने इस बात को इस तरह से हैंडल किया। सच में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने लुबना से शेयर कर लिया, शायद तुमने इस बात को बुरा मनाया, लेकिन यकीन करो मैं लुबना से कोई बात नहीं छुपाता। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया जो लुबना से अपनी बात शेयर की है, इसका दिल तो पहले ही साफ था और अब तो और भी ज्यादा साफ हो गया। मुझे आरिफ पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच पूरा भरोसा करने के लिए। चाय पी ले तो हम दानिया को देखने चले। हाँ जरूर, व्हाई नॉट। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप एक काम करो, जब आरिफ ऑफिस से आ गए तो उसके बाद आ जाना, ठीक है? ठीक है। शाब जल्दी घर पहुंचो, दानिया के पैर में बहुत तकलीफ हो रही है, रोए जा रही है। हाँ मैं निकल गया हूँ, बस 10-15 मिनट में घर पे हूँ मैं। जल्दी पहुंचो। साहब कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल कोई फिक्र की बात नहीं है, मैंने इनका चेकअप कर लिया है, फ्रैक्चर भी कहीं नहीं है इनको और स्वेलिंग भी कहीं नहीं। लेकिन फिर इसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाथ भी नहीं लगाने दे रही पाँव को, इतना दर्द से करा रही है। बची है, थोड़ा घबरा गई, आप फिक्र नहीं करें, मैं सिरप लेके देता हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक ये बेहतर हो जाएंगे। आए। आए। बाजी जाना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, भाई और भाभी दानिया को अभी तक लेकर नहीं आए। हो सकता है जब तुमने दानिया को इस वक्त खींचा हो तो उसकी कहीं टक्कर लग गई हो, उससे और चोट लग गई हो। जी बाजी, आप ठीक कह रही हैं,
मुझे तो होश ही नहीं थी उस वक्त। अच्छा ऐसा करो, उसके लिए फ्राइज और नूडल्स बना लो, हो सकता है उसका दिल चाहे तो वो खा ले। नहीं बाजी, उसके लिए इतनी तो जरूरी नहीं है, उसे यखनी पीनी चाहिए। यखनी कहाँ पिएगी वो, लोग बातों में लगा के पिलाइएगा ना, सब कुछ तैयार है, जैसे ही आएगी गर्मा गर्म बना के दे दूंगी। अच्छा फिर मैं अम्मी के पास जाती हूँ, उन्हें बहुत टेंशन हो रही है, हो सकता है तब तक भाई और भाभी भी आ जाए। सुमैरा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं रिपोर्ट में क्यों नहीं कुछ आया। मेरा ख्याल डर गई है, खौफ ज्यादा है। नहीं शहाब, ये सख्त तकलीफ में है, इसने अपना पांव तक मुझे टच करने नहीं दिया, और देखो अभी कुछ देर पहले सोते में करा रही थी। सुमैरा 2-3 घंटे रोई है ये, वो तो शुक्र है लुबना और आरिफ ने बातों में लगा के इसको कुछ यखनी वगैरह पिला दी, वरना तो रोती रहती है। कहाँ इसने यखनी पी, 4 चम्मच पी है, शक्ल देखो इसकी, एक दिन में चेहरा उतर गया है। तुम अगर इस तरह से करोगे ना तो मैं भी हिम्मत हार जाऊँ, थोड़ी सी हिम्मत रखो। शाम मुझसे मेरी बच्ची की हालत देखी नहीं जाती। ओके फाइन, इसको कल किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है? प्लीज आप लेके जाए, मुझे तो इस डॉक्टर का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा परेशान मत हो, रेस्ट करो, सुबह की उठी होती हो। आप आराम से यहाँ बैठेंगी, हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपको अच्छे सा नाश्ता कराएंगे, आराम से बैठें। पेन तो नहीं है? नहीं पापा, मेरे दर्द मत करना। अरे नहीं करता, आप बेफिक्र रहें बिल्कुल इस बारे में। हाय, यहाँ बैठते हैं आज देर तक। मुझे आने बैठना। क्यों नहीं बैठना? इतना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये देखो फूल, परिंदे। परिंदों से दोस्ती की है कभी आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए। अरे वाह, से थैंक यू। थैंक यू। गुड। आपके लिए नाश्ता बना के लाऊं, भूख लगी है? नहीं। क्या बात कर रही हो, खाना नहीं खाओगी तो जान कैसे आएगी? रोजाना आपकी मामा आपको नाश्ता कराती है ना, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि असल नाश्ता होता क्या। मैं नहीं खाऊंगी पापा, मुझे यहाँ पेन हो रहा है। अच्छा फिर एक काम करता हूँ, आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, अच्छा सा डॉक्टर है, बड़ा सा इंजेक्शन लगाएगा, आप फौरन सही हो जाएंगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। नाश्ता आप नहीं कर रही हैं, डॉक्टर के पास आप नहीं जा रही हैं, तो फिर काम करते हैं भाई, जैसा मेरी गुड़िया कह रही है ना वैसे ही करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, क्या करें? ओ फुटबॉल, जबरदस्त, चलो भाई इस बॉल से खेलते हैं, ठीक है? आ जाएं हम तीनों खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी, आप और जाना आंटी खेलें। ठीक है मैं और जाना आंटी खेल लेता हूँ, जाना आंटी आप सामने आ जाएं। चलो आप बताना कौन जीता कौन हारा। हाँ फिर से दादी बनने वाली। शाह मिल गया तो सुनने सब कुछ मिल गया। बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रही है आजकल तू। तो मुझे जाना तो ट्रस्ट नहीं है, वो एक अच्छी लड़की नहीं। तो ये बात तुमने रहमत भी को बताई तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बदनामी। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। मिले तो उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में
रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं